देखो बढ़िया मिठावट है या मसाला। राम राम, किसका है? राम राम, सुन लो राम राम, विदेशी मनाई का, भारतवासी का। हाँ गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल। यहाँ पे सब अपने अपने कामों में बिजी हैं। हमारे दादाजी बना रहे हैं गाय का खाना, हम यहाँ पे सलौटी में वो करेंगे। और बड़ी मुश्किल से आज मेरा व्लॉग जो है कि बन पा रहा है, क्योंकि चार्जिंग ही नहीं हुआ था। दाल हो गई है, अब हम पीसेंगे दाल यहाँ पे। और आज बनेगी हमारे यहाँ स्पेशल दाल पूड़ी, जो कि गांव में बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, तो अकेले तो नहीं खा पाते हैं, पर सब लोग रहे तो कहे चलो बना दो, तो बनाने जा रहे हैं। दाल पीसेंगे हम, और हमने अपना बेड लगा दिया धुल के और डाला हुआ था। चलिए फिर मिलते हैं ना, चल गए। आखिरकार वो आज दिन आ ही गया जब हम यहाँ से घर से जा रहे हैं। आज के दिन हमारी ये आखिरी व्लॉग है, मतलब आखिरी तो नहीं है, आखिरी दिन है। मतलब कहते हैं ना कल हमारा सवेरा होगा, तो हमारी ये आखिरी रात है। जब दूसरी रात होगी शायद हम अपने घर होंगे, और मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हम हंसी मजाक भी कर रहे थे, दादी दूसरा काम कर रही थी। और पता है कि हर जगह की रीति रिवाज होती, जब बहुत सारे जन इकट्ठा होते हैं तो कुछ ना कुछ पकवान बनाए जाते हैं, जो भी जहाँ की फेवरेट डिश होती है, जो भी चीज़ें होती हैं। तो हम बता रहे थे आप लोगों से, ये हमारी दादी का मसाला है, अगर आप लोग को पसंद है तो बताइएगा ज़रूर। तो ऐसे में सब लोग ना बाता बता के हंस रहे थे ये चीज़ों को। और दादी फिर से ना हमें बोल रही थी कि घर भी लेकर चले जाना कुछ कुछ चीज़ें, जो दादी क्या है, दादी क्या इतनी सारी चीज़ें तो नहीं है, पर जो भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए पैक कर रही थी, जैसे मेरी सिस्टर के लिए अलग और मेरे लिए अलग। शादी के पहले चलो सब ठीक चल गया था, पर शादी के बाद ना कहते हैं ना एक विदाई होती है, जैसे कि हम मायके जाते हैं हर बारी कुछ ना कुछ लेके आते हैं। मेरे ख्याल से सारे लड़कियां जो हैं जिंदगी भर जब तक मायके जाती है कुछ ना कुछ लेके आती हैं। तो जो मेरी दादी जी का घर है वो भी मेरा मायका ही हुआ है ना। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे ना मैं भी सोच रही हूँ कि एक छोटा सा घर बना लूँ, सही में छोटा सा घर क्या बना लूँ, उसी घर में रहने लगूँ। साथ में मैंने इनसे भी बोला, इनका इतने दिनों तक फ़ोन नहीं आया, जिस दिन हम लोग आए थे वो भी उसी दिन आया था, वीडियो कॉल आई थी, डायरेक्ट कॉल वगैरह नहीं आई थी, वीडियो कॉल आई थी, और वो भी शिव और देव से बात करने के लिए। बट हाँ कल इन्होंने बोला कि तुम लोग आ नहीं रहे हो, आने वाले थे। मैंने कहा हाँ आ जाएंगे, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, ऐसी सब बातें। मैंने कहा आपको नहीं हो रहा तो आप माँ के घर चले जाओ ना, वहाँ खा पी लो। तो कुछ नहीं बोले मुझसे, बोले मैं बना ले रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने भी उनका एक वीडियो देखा, यहाँ पे मुझे ज़्यादा नेट तो नहीं मिलता है, पर फिर भी यहाँ पे देखो ना उसमें चूल्हे में कुकर चढ़ा था तो हमें लगा 4-5 सीटी आ गई, चने की दाल हो गई। चने की दाल की पूड़ी आप लोग को पता होगी ना, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म था। तो फिर मैं हाथ से निकालने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने दीदी से बोला जाओ ले आओ। दाल पीसने की और बना देती है बेटू, मुझे पीस के अपन चलेंगे, ठीक है? कल को हम चले जाएंगे तो आज सब मिल बांट के आज यहीं पे पिकनिक। वैसे तो हमने बहुत कुछ सोचा था कि देखो हमें चाय पीने तक का समय नहीं है ना,
क्योंकि आप लोग बोल रहे थे गांव का जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो जल्दी जल्दी अपने ब्लॉग डालो। तो हम आप लोगों को पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। जो मूवमेंट है वो यूट्यूब में हमारे एक जर्नी की तरह कैद हो जाएगा, जो कि हमेशा रहेगा। दिखा दीजिए पप्पा, राम राम बोलदा होगा। राम राम, राम राम, किसका है? राम राम, विदेशी मनाई का, भारतवासी का। सुन लो भैया, राम राम, राम न करे करे का, काम न करे करे का। दादी हमारी देखो अभी से रोने लगी। दादी कह रही है कि हम रोब कल काहे रोब, मीठी चाय पी दो अपनी, काहे रोब न पीनी की कि रोब किना पीना तो चली गए बिटिया रही, तो मैं ससुर चली गए तो वहां चली गए सरग में, सरग में नहीं चली गए, हमको छोड़ के खत्म हो गई दुनिया से। हां हमें दुनिया में छोड़ के यहां चली गई है, तो कैसा हाल ना रो दादी होई गर, ना रो ना रो, ठीक है हम आया करेंगे। हाँ और दादी को सब लोग बोल रहे बहुत अच्छी दादी दादा है। हाँ तो अच्छे हैं, तो अच्छे हैं। हाँ खराब हो तो खराब हो, नहीं हमारी दादी बहुत अच्छी है ना दादी। कौन सा वाला दादी? लाइट नहीं आई अभी, यहाँ पर रखा होगा, देख लो पैकेट। क्या मिर्ची जी है और क्या चाहिए? काम कर लेंगे। चिप्स नहीं, आपको चिप्स नहीं, नहीं चिप्स नहीं। पूजा इसको पराठा सेक दे, सिंपल दोनों को एक एक सेक दे। नारायण नारायण, चलो चाय पी ले फिर मिलते है ना। बाय बाय कक्कू। बैग फट रहा देखो, कल जिस गुड़िया सामान ले गए थे वो गुड़िया कहाँ गई? तुमने पैसे हमको ज्यादा दी थी, 60 रुपए का सामान हुआ था, तुमने 10 रुपए बस काटी थी। 10 रुपए काटे थे, 200 का हमने दिए, तुमने 180 रुपए वापस करी थी, तो हम लौटा जा रहे हैं, ठीक है 50 रुपए हम कल बाद में ध्यान करें। ऐसे हिसाब नहीं किया करना गलती। हाँ ठीक है, कितने दी रही मीठी? 280 दी थी, पर बाद में 10 का लिए थे, 50 रुपए वापस कर, 10 की बिस्कुट दे दो और ये लो 50 ले लो, ये लो ठीक है। हिसाब कल गड़बड़ हो गया था, कौन सा बिस्कुट चाहिए? कोई सी भी दे दो, पाल ले जी। हाँ। एक वो 20-20 दो, 20-20 है वो, एक 20-20 दे दो। कितने कितने किए? हाँ हाँ ठीक, चलो जा रहा है हिसाब, ठीक है। हाँ 50 दे रही हूँ। हाँ ना दादी, वो कल ये जब हम उनके इधर गए रहे ना, तो कल वो 50 रुपया ज्यादा दे दी थी, तो दे में गए रहे।
है ना ठीक कर है ना कहीं का खाई ये दादी 100 रुपया दद्दा का एक्चुअली इसके पहले जो आपने बातें सुनी उसके पहले पता है क्या हुआ था, कल मैं गई थी लेने, मतलब कि यहाँ पे गांव में ना दूर दूर तक कोई भी दुकान नहीं और सुबह 8:30-9 बजे की हमारी ट्रेन है, तो हमने कहा सुबह कहाँ दुकान खुलेगी, हम तो चलो जैसे एडजस्टमेंट कर लेंगे, बच्चों को कुछ स्नैक चाहिए रहेगा, तो मैं सोच मैंने जाके ले आए थे कुरकुरे चिप्स, उसमें से मैंने उनको 200 का नोट दिया तो उन्होंने ना मुझे 190 रुपये वापस किए, सॉरी 10 रुपये के, फिर मैंने कुछ चीज़ ले ली थी, मटर ले ली थी, तो ऐसे ही मुझे 180 रुपये वापस दिए उन्होंने। अब फिर मैं घर आके हिसाब लगाया, मैंने सबसे पूछा, मैंने कहा जब मैंने 60-70 रुपये का सामान लिया तो उन्होंने इतने पैसे क्यों दिए, तो कन्फ्यूज़न हो गई थी उनको भी, और शायद वो गाँव के लोग हैं उनको नहीं पता, देखिए छोटी मोटी बिक्री होती है गाँव में है ना, एक साथ इतनी नहीं होती, उनकी दुकान भी छोटी थी, तो फिर मैंने किसी का मुझे दिल नहीं दुखाना था, और पता नहीं अब हम यहाँ पे कब आते हैं कब नहीं आते हैं, फालतू में देखिए हर कोई होता है अपनी 2 पैसे के लिए ही जो भी है काम करता है ना, तो फिर मैंने उनको सुबह सुबह जाके ना 50 रुपये उनको दे दिए थे, मैंने कहा कि ये आपके पैसे हैं और ये नेक्स्ट डे मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, जिसमें कि तो मैंने कहा कि आप अपने पैसे ले लीजिए, बोले किस बात के, फिर हमने उनको ध्यान दिलाया तो बाद में बोलती है बहुत 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 धन्यवाद, ऐसे अपने गांव की भाषा में भैया बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कोई नहीं करता है ये वो, हमने कहा कोई नहीं करने वाली बात नहीं है कि देखिए किसी का क्यों करना फालतू में है ना, इसलिए वो भी आखिर इनके लिए ही बैठे हैं, और वैसे भी उनकी इतनी बिक्री नहीं होती है गाँवों में, तो बिल्कुल भी नहीं होती है ना, तो फिर 10-20 रुपए के लिए कोई व्यक्ति बैठा है उनको 50 रुपए का घाटा हो जाए, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। दादी को ही बताई, दादी भी बोल रही थी बहुत अच्छा किया बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, और यहाँ पे हमारे बब्बा बेचारे देखिए सुबह सुबह कोहरा ना करीबी 12 बजे तक रहता है, समझ लीजिए कड़कड़ाटे की ठंडी रहती है, ये देखिए ऐसे हाथ गल रहे थे, फिर भी ना हमारे बब्बा ना चप्पल वगैरह नहीं पहनते, ना ही हमारी दादी पहनती है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, सब अपने अपने यहाँ पे अब चाय पियेंगे, और हमारी दादी देखिए कुछ कुछ काम भी कर रही थी, मतलब कि सबको पैसे दे रही थी। हाँ हमने उनसे खूब बोला कि मत दो पैसे, बोली नहीं हम देंगे, सब लोग पहली बार आए हैं, मतलब हमारी जो सिस्टर की बेटी है वो एक बार आ चुकी जब वो 3 साल की थी, 3 या 4 साल की, उसके बाद से हम अभी आए हैं, मतलब मैं भी पहली बार आई हूँ ना, मैं दादी से पैसे नहीं ले रही थी, आप लोग भी कहेंगे कि आरती आपको नहीं लेना चाहिए, बोलती नहीं, फिर वो गुस्सा हो जा रही थी है ना कि पहली बार आए हो भैया ऐसा वैसा, फिर शिव को दिए, देव को दिए, मुझे दिए। चलिए अब आगे अपनी वॉइस रियल रख रही हूँ, और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना, हम मिलेंगे आपसे जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में, पर आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा है ना, दे रही ना मैं बोली भी तो नाती का तो कुछ हो पे हम नहीं आए रहें दा दादी जे तो दे दी वो नाती का ध्यान है या तो है नाती का काहे दे रही है अरे दाई जी ना जाऊं खाता दाई जी बेटा नाती के माथे पे आया सब तो उठा ली है अरे आज खा के की नहीं हो जाता है जी नहीं हमको चाहिए नहीं नहीं चाहिए नहीं बोल रहा है ना।
नहीं रे, बुजुर्ग लोग है ना। हाँ फिर किसी को 10 का धोखा दे देती। नहीं नहीं जाने पा। तो पास पैसा है नहीं होएगा। नहीं हम देर ना, हम देर हो गए। हम तो ले लिए भैया 600 रुपया दाइए दादी ना हमारा। ठीक बता दी। कल उसको 50 रुपए देना है कुरकुरे वाली को। बहन तो उसी में हो जाएगा। हम बब्बा को दे देंगे 200 रुपया। दादी हमको दी, हम बब्बा को दे देंगे। हम अपनी नोट दे रहे हैं कड़ी कड़ी दादी। हाँ हाँ काहे नहीं दिए? नहीं तो हम तो हाँ नोट थोड़ी दे रहे, हम अपना नोट दे रहे। हाँ दादी रहने दे, दे देंगे ना, बांट लेंगे हम लोग। हम लोग बांट लेंगे, रहन दे, हो गया, बांट लेंगे दादी, ले लेंगे, मिल बांट के ले लेंगे। दादी पैसे बांट रही सबको, नहीं ले रहे तो चिल्ला रहे। बेटा फिर आए? हाँ आया बेटा, आना उमर पार्टी का आया। देवू को नहीं लाएंगे, देवू दत्ता के पास अब नहीं आएगा। मैंने तो रख ली बहन गुवाली, भाजी रखना है पन्नी में, रखना एक दाना ले। हाँ भैया काहे का भाजी।